नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आगामी सुर्खी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर शहर के तेलंगानागंज स्थित एक निजी गार्डन में कांग्रेस की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी और प्रदेश के उपाध्यक्ष जगदीश यादव ने की। बैठक के दौरान सुर्खी नरियावली और रहली के करीब 1.5 दर्जन युवाओं ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ली। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि आप उस विधानसभा क्षेत्र के रहवासी हो जहां पिछले कुछ समय से राजनैतिक दबाव के चलते युवाओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। अब उस कड़ी में आप लोग भी शामिल हो गए हैं, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी आप सबके साथ खड़ी है। वहीं इस बैठक में प्रमुख रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुन्ना चौबे, गोवर्धन रैकवार, हिमराज रजक, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अशराफ खान और युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल चौबे मौजूद रहे। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट, बने रही है द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, वो यार भूल गए दूसरे दल में जाके कि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जो अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों से नहीं डरी और देश को आज़ादी दिलाई है। तुम्हारी हैसियत क्या है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, देखिए आज जो है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और सागर जिले के अन्य लोग, हमारे नौजवान युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए हमारे परिवार में शामिल हुए। यह इस बात का प्रतीक है कि सागर जिले में जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, आम आवाम और मतदाता जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, यह इसी बात का संकेत है कि हम सुर्खी की तरफ कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराने जा रहे हैं। आज हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जो आश्रम अध्यक्ष हमारी पार्टी के हैं, उनका कार्यकाल होने के बाद शुरुआत हुई है। आज यह उसका एक शुभारंभ है। बहुत सारे लोग आज के दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका स्वागत। जिस तरह आपने अभी बताया कि उनको यहाँ आने में